हथियारबंद तालिबान को देखकर अफगानिस्तान के लोग कांप उठते हैं। उनसे बचने के लिए लोग अपनी जान की बाजी लगाकर दिन रात काबुल एयरपोर्ट पर गोलियों की बौछार के बीच सांस ले रहे हैं। लेकिन कुछ महिलाओं ने अपने घरों के सामने हथियारों के साथ बैठे तालिबान देखे तो एक महिला ने कहा कि अगर उनकी बंदूक मिल जाए तो वो उनमें से हर एक के सिर पर गोली मार देंगी। कहीं महिलाएं तालिबान को सबक सिखा रही हैं तो कहीं अपने मासूमों को उनके आतंकी साए से दूर करने के लिए अमेरिकी फौज के हवाले कर रही हैं। देखिए तालिबान के आतंक के बीच दिल दहलाने वाली ये तस्वीर। ये तालिबान की हैवानियत का खौफ है जिसने एक माँ को मजबूर कर दिया कि वो अपने नवजात बच्चे को अमेरिकी सैनिकों को सौंप देती है। ये तालिबान के खिलाफ बेहिसाब गुस्सा है जहाँ महिलाएं हथियार बंद आतंकियों को ललकारते हुए गोली मारने की धमकी देती है। ये तालिबानी आतंकियों के 5 दिनों के शासन में ही पूरी तरह तबाह हो चुके सैकड़ों परिवार हैं जो किसी तरह अफगानिस्तान से चले जाना चाहते हैं। ये वो परिवार हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर अपनी धरती और तालिबान से बहुत दूर चले जाना चाहते हैं। तालिबान के आतंकी पंजे से अपने बच्चे की जिंदगी बचाने का ये मंजर देखिए। एक माँ तालिबान से अपने मासूम को बचाने के लिए फेंसिंग के पार खड़े अमेरिकी सैनिकों को सौंप देती है। काबुल एयरपोर्ट पर एक महिला और एक पुरुष छोटे से बच्चे को ऊपर की ओर उठाकर दीवार के उस पार खड़े अमेरिकी सैनिकों को सौंप देते हैं। अपने बच्चों को अमेरिकी सैनिकों को सौंपने वाला परिवार नहीं जानता कि इस मासूम से वो दोबारा मिल भी पाएंगे या नहीं। ये बच्चा कैसे जिएगा, कहाँ रहेगा, किन हाथों में ये पलेगा। हो सकता है माँ बाप भी अपने बच्चे के पास सकुशल पहुँच जाए, लेकिन ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस तरह तमाम बच्चे काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों के हाथों में सुरक्षित पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके परिवार अब भी काबुल से निकलने की जंग लड़ रहे हैं। 20 साल बाद जिस खौफ और खूनी इंतकाम के इरादे के साथ तालिबान वापस लौटे हैं उसमें सबसे ज्यादा खौफ महिलाओं और बच्चों को है। दुनिया देख रही है कि किस तरह महज 5 दिन के शासन में ही तालिबान में रहने वाले कई दर्जन लोगों ने अपने मासूमों को अपने आप से अलग किया है। काबुल एयरपोर्ट से लेकर सड़क तक, घर से लेकर बाजार तक महिलाओं की तलाश हो रही है। तालिबानी मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे, उन्हें सरेआम अगवा कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे तालिबानी हैवानी साए में पले बढ़े। आशंकाओं और आतंक में घिर चुके अफगानिस्तान से आया ये वीडियो बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। एक घर के बाहर तालिबानी आतंकी हथियार लेकर बैठे हैं। पास में खड़ी महिलाएं उन्हें वहां से जाने को कहती हैं, लेकिन वो बेशर्मी से वहीं बैठे रहते हैं। एक महिला मौत के खतरे के बावजूद कहती है कि अगर उसे बंदूक मिल जाए तो वो एक एक के सिर में गोली मार देगी। अफगानिस्तान के ज्यादातर लोग वहाँ से भाग जाना चाहते हैं। जो लोग पीढ़ियों से वहाँ रहते हैं वो सब कुछ छोड़कर जाने के लिए बेकरार हैं, क्योंकि यहाँ के लाखों लोग तालिबान के शासन में हर रोज मरना नहीं चाहते। अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों से आए लोग ना ही अब काबुल एयरपोर्ट पहुंच पा रहे हैं और ना ही वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि वो तालिबान के जुल्मों से अब आजादी चाहते हैं। अफगानिस्तान के कुंदूज और तखर प्रांत से आए तकरीबन 400 परिवारों को यूनिसेफ की तरफ से पानी, खाना, दवाई मुहैया कराई। एक ही झटके में 400 अफगान परिवार खाना बदोश बन गए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भी सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं और बच्चों पर ही बना हुआ है, क्योंकि तालिबान की उन पर नजर पड़ी तो कुछ अनर्थ हो जाना तय है। काबुल एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर मौजूद इस स्कूल के अंदर और बाहर 400 परिवारों ने शरण ली है। उत्तरी प्रांत से आए ये परिवार हमेशा के लिए अफगानिस्तान छोड़कर चले जाना चाहते हैं। पुरुषों के साथ सैकड़ों बच्चे, बच्चियां, महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं।
करीब 45 दिनों में 18,000 लोग काबुल पहुंचे हैं। लोग काबुल में किराए पर रह रहे हैं, दोस्तों रिश्तेदारों के घर रुके हुए हैं। हजारों लोग हर रोज काबुल एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश करते हैं। जनवरी 2021 से अब तक अफगानिस्तान के 4 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। अपने ही देश में विस्थापित होने वालों में करीब 2 लाख बच्चे भी शामिल हैं। I'm telling to the people, stay in their houses, do not come to this area. It's a very, very crazy situation right now, and I hope the situations get better because I see the kids are dying. It's very terrible. तालिबान के आतंक ने पूरे अफगानिस्तान में ऐसा खौफ मचाया है कि लोग यहां से जाने के लिए जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। अपने परिवारों को लेकर वो काबुल एयरपोर्ट की सड़कों पर दिन रात इंतजार कर रहे हैं कि शायद उन्हें तालिबानी आतंक से आजादी मिल सके, फिर चाहे इस कोशिश में उनकी जान ही क्यों न चली जाए। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के सारे लोग तालिबान से डरते हैं। ऐसे बहुत से बहादुर लोग हैं जो अफगानिस्तान का झंडा लेकर सड़कों पर तालिबानी आतंकियों को चुनौती दे रहे हैं। काबुल में एक साइकिल सवार युवक अफगानिस्तान का झंडा ओढ़कर जा रहा था, उसे तालिबानी आतंकियों ने रोका और पीटते हुए झंडा छीन लिया। इसी तरह एक और युवक से अफगानिस्तान का झंडा छीना और उसे एक तालिबानी आतंकी बंदूक से पीटने लगा। हालांकि युवक भी अड़ा रहा और तालिबान की बंदूकों से नहीं डरा, यानी तालिबान का आतंक भले